आज AIMIM की आयोजित की गई बैठक जिसमें सदस्यता और संगठन विस्तार पर हुई विचार विमर्श। बता दें कि राघोपुर के हुसैनबाद में आज AIMIM की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष खलीकुल्ला अंसारी ने की। इस मौके पर AIMIM के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में पार्टी के विस्तार और संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने AIMIM पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आज जो हालात हैं उसमें पार्टी की मजबूती बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संगठन के विस्तार के लिए अभियान चला रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़ सके। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के सुप्रीमो ओवैसी साहब के नेतृत्व में आने वाले समय में पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस दिशा में वे लोग कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। वहीं इस मौके पर पार्टी के अन्य नेताओं का क्या कहना है वो भी सुनिए। ये जो प्रोग्राम आज मुनाकिद हुआ है, ये तो पार्टी के संबंध भी है और असल इस बैनर तले सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि मुल्क के हालात के जो पेशे नज़र, जो हालात चल रहा है मुल्क के अंदर, वो आप लोगों के सामने है। जो इंसानियत को शर्मसार कर रही है, उन्हीं के ख़िलाफ़ भी हम लोग इस तरह का प्रोग्राम आज रखे थे, उनके खिलाफ ही आवाज़ के लिए और सदस्यता अभियान भी था। तो अभी देखिए कई जगह पे जैसे हालात चल रहे हैं, ट्रेन के अंदर कहीं गोली मार दिया जाता है, तो कहीं मस्जिद के अंदर घुस करके इमामों का कत्ल कर दिया जाता है, कहीं और तरह की इस तरह की हिंसा बार बार आए दिन सुनने को मिलता है। तो ये हिंसा करने वाले न मुसलमान न हिंदू, जो लोग इस हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, जो लोग इस तरह की इंसानियत जिसके अंदर न हो तो वो तो इंसान ही नहीं है। जिसके अंदर इंसानियत जिंदा नहीं है, ऐसे लोगों को इस मुल्क में रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ने की ज़रूरत है। अब जो लोग मान लीजिए ट्रेन के चलती ट्रेन में जो लोग 3 मुसलमान को गोली मार दिया, उसके बाद SI को गोली मार दिया, अब ऐसे लोगों को मुल्क में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आप ही बताइए। चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उससे हमको बहस नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हैं और एक बन करके रहना है। असल जो इस तरह के हादसात बार बार जो अंजाम दिया जाता है, जो लोग अंजाम इस हादसात को देते हैं उनके ऊपर हमारा निशाना है। ऐसे लोगों की के ऊपर खास कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो इस तरह की आतंकवादी फैला रहे हैं। बस उनके खिलाफ ही हम लोग जो है जमा हुए थे। क्या नाम हो? हिदायतुल्ला रहमानी। सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड में हूँ और यहाँ हमारे जो जिला यूनिट हैं सुपौल के, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से खलीकुल्ला अंसारी यूथ के हमारे जिला अध्यक्ष हैं और ये नदवी साहब हैं और भी हमारे जितने भी यूथ कमेटी के लोग हैं। इन लोगों ने एक दिवसीय कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम का एजेंडा यहाँ पर तय किया जा रहा है कि कैसे सुपौल में पार्टी को विस्तार किया जाए और जन जन तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारधारा को पहुँचाया जाए। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, कार्यकर्ताओं का जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, इससे साफ प्रतीत होता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए ये कोशिश सीमांचल और मिथिलांचल के लोग काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और जिसमें जो निर्णय लिया जाएगा फिर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। क्या नाम हो? रहमत अली, जिलाध्यक्ष अररिया। कार्यक्रम जो शुरू किया गया है और एक दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें असल ये है कि अभी देश में जो माहौल है, जिस तरह की भावनाओं से लोग जूझ रहे हैं, इन्हीं सारी बिंदुओं पर बात होने के लिए भी हम लोग जमा हुए थे। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा इलेक्शन सामने है, इलेक्शन भी आने ही वाला है, सारी पार्टियां अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से और अपने अपने जो है क्या कहते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से मेहनत कर रही है। तो MIM भी अब कोई छोटी पार्टी नहीं है कि किसी किनारे में दबी रहे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी ये कोशिश है। हमारे बैरिस्टर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं, उनकी कोशिश है कि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पार्टी जो है पले बढ़े और फैले, ताकि वंचितों को, पिछड़ों को, जो सताए हुए हैं, जो परेशान हैं, जो मजलूम हैं, उनकी इंसाफ की लड़ाई हम आसानी से विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक हम लड़ सकें, यही हम इस पार्टी का उद्देश्य है। और इसीलिए हम लोग जमा भी हुए हैं आज यहाँ पे। बहुत सारे नौजवान सदस्यता लेंगे हमारी पार्टी का और आज हम एक हमारे बगल में बैठे हुए हैं हिदायतुल्ला रहमानी साहब, जो हसनाबाद से बिलोंग करते हैं, इसको राघोपुर प्रखंड के युवा
अध्यक्ष की जिम्मेदारी हम लोग सौंपने वाले हैं, इसी पर्पज से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। धन्यवाद। का सदस्यता अभियान अभी शुरू हुआ है, तो प्रदेश अध्यक्ष तुर्दीमान साहब के निर्देश पर हम लोग अभी राघोपुर प्रखंड के हुसैनाबाद में सदस्यता अभियान चला रहे हैं, और इसके बाद पूरे ज़िला में सदस्यता अभियान की शुरुआत किए हैं और पूरे ज़िला में ये सदस्यता अभियान चल रहा है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य पार्टी का है कि मतलब हर पार्टी अपना चुनाव लड़ने के लिए ही सदस्यता अभियान चलाती है, हम लोग भी चुनाव हो सकता है पार्टी मेहनत कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष का जो हुक्म होगा उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलीफुल्ला अंसारी, युवा जिला अध्यक्ष सुपोर्ट।